হাই, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি খুব ভালো। আপনাদের আরেকটি নতুন কিউএনএ এপিসোডে স্বাগত জানাই। হাই, মেরা নামে সুমন আর আপ দেখ রহে হো গ্যাজেটস ওয়ালা। আজ সানডে হ্যায় ইয়ানি আর এক নয়া কিউএনএ এপিসোড। তো চলিয়ে ঝট সে স্টার্ট করতে হ্যায় ইয়ে আর এক নয়া কিউএনএ এপিসোড, জহাঁ পে হোগা আপকা ঢেরো সারা সওয়াল আর মেরা জবাব। তো চলুন, করবো না দেরি, শুরু করি তাড়াতাড়ি। পহলা কোয়েশ্চন কে হ্যায় অনুপ হংসদা, হ্যাশট্যাগ দাদা, এই নিউ আপডেটে কি ম্যাক্স প্রো M1 এর ব্যাটারি ড্রেন ও চার্জিং এবং হিটিং ইস্যু ঠিক হয়েছে? আমি এখনও আপডেট করিনি দাদা। জুম সিকিউরিটি প্যাচের আপডেট M1 কবে আসবে? ভাই, ইয়ে যো আপডেট হ্যায় ইয়ে আপডেট আপ কর সকতে হো, ক্যুকি মুঝে লগা হ্যায় আজ তক জিতনা ভি আপডেট ম্যাক্স প্রো M1 কে লিয়ে আয়া হ্যায় ভাই বেস্ট আপডেট হ্যায় ये वाला अपडेट, यानी 24th ऑफ मे का अपडेट। तो आप जरूर कर सकते हो। और हाँ, जून का जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट आएगा वो आप मान के चलो नेक्स्ट महीने के इन तक आपको मिल जाना चाहिए। चलिए, आपका आपने कहा है चार्जिंग एंड हीटिंग इशू। देखिए, चार्जिंग एंड हीटिंग इशू मुझे तो नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिल शेख, हैशटैग सुमन, आई नीड ए गुड फोन अंडर 15,000। देखिए, अभी के लिए फिलहाल साहिल जी 15,000 में दो फोन हैं। एक तो इसके नीचे ही आता है, एक तो रियलमी 3 प्रो मैं यूज करता हूँ, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। दूसरा है रेडमी नोट 7 प्रो, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो अगर इन दोनों फ़ोन में देखा जाए तो ये दोनों ही फ़ोन 14,000 के अंदर आता है। आप ज़रूर एक बार देख सकते हो। और मुझे पर्सनली कैमरा के लिए अच्छा लगता है रियलमी 3 प्रो। चलिए नेक्स्ट, भूपेश पट्टानायक, अच्छा भूपेश जी, हैशटैग सुमन, मैक्स प्रो M1 का न्यू पाई अपडेट का फुल रिव्यू करो थोड़ा और अनबायस्ड करो। देखो, मेरे चैनल पे हर एक वीडियो आपको अनबायस से मिलता है। और एक बात, ये जो मैक्स प्रो M1 का जो अपडेट वाला वीडियो है ना, वो तो मैंने कल ही डाल दिया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है आपके तरफ से। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, जरा चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय पलवाल, अच्छा अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्वेश्चन किया हो Asus ZenFone Max Pro M1 में ऑटोमेटिक अपडेट कब तक आएगा? सर देखिए, अभी के फिलहाल अभी के लिए तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पर विद इन 7 डेज आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिल जाना चाहिए। अगर आप मैनुअली अपडेट करना चाहते हो, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको जो अपडेट वाला वीडियो वो मिल जाएगा और उस वीडियो में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए और कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीतम चैटर्जी, सर Asus ऑफिशियल वेबसाइट पे न्यू अपडेट नहीं मिल रहा है Asus ZenFone Max Pro M1 के। देयर इज द ओल्ड अपडेट 050, आई हैव सीन द न्यू अपडेट 053 इन द मॉर्निंग, बट राइट नाउ द न्यू अपडेट 053 इज मिसिंग। यू आर राइट ब्रो एंड प्रीतम, यू हैव जस्ट सेड अ ट्रू थिंग्स। हाँ, मैंने भी देखा है, पर ये क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, इसमें एक बग्स था। बग्स मतलब अपडेट भी नहीं, अपडेट ठीक से नहीं आ रहा था किसी के पास भी। यानी जो नोटिफिकेशन मिलना चाहिए अपडेट का, वो नोटिफिकेशन भाई किसी के पास भी नहीं आ रहा था, इसीलिए इसको रोल बैक किया गया है, पर बहुत जल्द आ भी जाएगा। पर अगर आप करना चाहते हो अभी ही, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वो अपडेट वाला वीडियो मैंने डाल दिया है, वहां पे फाइल दे दिया है, उस वीडियो में जाइए और अपडेट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तिलक जैन, थैंक यू तिलक जी, हैशटैग सुमन। सुमन सर, आई एम ए कैमरा लवर, मी टू, फोटो फ्रिक, मी टू, आई प्रेफर वीडियोज वेरी लेस, बट आई लाइक टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज। टू मी, कौन सा फोन के साथ जाऊं, रियलमी 3 प्रो, रेडमी नोट 7 प्रो, इन अदर फोन अंडर 18,000? मैं तो कहूंगा, अगर आपका प्रायोरिटी है कैमरा, रेडमी नोट 7 प्रो एंड रियलमी 3 प्रो दोनों ही फोन काफी अच्छा है। मैं दोनों ही फोन को यूज करता हूं, मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। अगर आप मुझे पर्सनली कहोगे
जो कैमरा के लिए मैं आपको कहूंगा रियलमी 3 प्रो इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इट मे बी फॉर यू। देखिए मुझे अच्छा लगता है ये जो रियलमी 3 प्रो, रेडमी नोट 7 प्रो भी काफी अच्छा चॉइस हो सकता है, पर मैं क्यों इसको आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हीट हो जा रहा है फोन और कैमरा में बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रहा है। और हाँ 18,000 अगर आपका बजट है तो रुक जाइए, Redmi K20 आ रहा है साथ में Galaxy M40, जरा रुक जाइए देख लीजिए इन दोनों फोन को। नेक्स्ट जो क्या है KDD Entertainment, थैंक यू ब्रो, और आप मुझे पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू, इस तरह का सब्सक्राइबर भाई मिलना सही में आई एम सो मच लकी। तो KDD Entertainment हैशटैग सुमन, टेक न्यूज क्यों नहीं आया दादा? देखिए टेक न्यूज बहुत जल्द आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ से मैं टेक न्यूज स्टार्ट कर दूंगा। अभी देखिए टेक न्यूज का फंडा क्या है, हर एक दिन मुझे वीडियो, मैं तो हर एक दिन वीडियो डालता हूं और दो दो वीडियो डालता हूं। अब ये क्या होता है, एक ही समय पे जो टेक न्यूज होता है वो आपको डालना होगा, तो इसीलिए मैं टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूं। और बहुत सारे काम होता है, जैसे रिव्यूज बनाना होता है, बहुत प्रोडक्ट्स आता है उसका रिव्यू करना होता है, तो मैं नेक्स्ट मंथ से टेक न्यूज दूंगा। थैंक यू KDD Entertainment। नेक्स्ट क्वेश्चन अरिस अवेदी, हैशटैग सुमन, M10 2GB वर्सेस C2 3GB। देखिए C2 मत लीजिए, मैंने C2 का भी वीडियो डाल दिया है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो बहुत लैग कर रहा है, बहुत लैग, कैमरा भी ठीक नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप M10 देख सकते हो, M10 भी उतना अच्छा नहीं है, पर कंपेयर टू C2 मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी M10 ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन BTR ऑप्टिमस YT, थैंक यू, हैशटैग सुमन, भाई आपकी शादी हुई क्या, और इतने क्यूट हो यार, आपकी सारी वीडियोस देखता हूं मैं, बिग फैन सर, थैंक यू BTR। मेरा शादी गेस करो ना हुआ है या नहीं, भाई हो गया है, और मेरा 3 साल का एक बेटा भी है, बहुत ही क्यूट है और बहुत खेलता हूं उसके साथ, हाँ मेरा शादी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि कुमार, हैशटैग सुमन, ब्लूटूथ 4.2 एंड ब्लूटूथ 5.0 में कितना फर्क है? भाई जितना एंड्रॉयड क्यू और एंड्रॉयड पाई में फर्क है, यानी ये जो ब्लूटूथ 5.0 ये रेंज ज्यादा कवर करता है, टेक्नोलॉजी नया है और बहुत ही फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रजत रॉय, थैंक यू रजत जी, रजत रॉय आपने पूछे हो विच वन शुड बाय एट 10K, रेडमी नोट 7 और मैक्स M2 और गैलेक्सी M20। देखो भाई ये तीनों ही फोन आप मत लो, मैं आपको कहूं अगर आपका बजट है 10,000, 1,000 ज्यादा देके रेडमी नोट 7S ले लो, वो भी रूबी रेड, भाई क्या फोन है, सैमसंग गैलेक्सी से भी ये अच्छा है, और इसमें यूज किया गया है 48 मेगापिक्सल का कैमरा जिसमें सेंसर आपको मिलेगा सैमसंग GM1 का, तो सैमसंग GM1 सेंसर काफी अच्छा है, तो आप देख सकते हो साथ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660, मेरे हिसाब से रेडमी नोट 7S। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछे हैं समन्वय बर्नवाल, ओके थैंक यू समन्वय जी, तो यहां पे आपने पूछा हो मैक्स प्रो M1 में डायरेक्ट में मंथ वाला अपडेट कर सकते हैं बिना मार्च वाला किए, आप कर सकते हैं ना, ये डायरेक्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित एकव्य, ओके रोहित एकलव्य आपने पूछे हो दादा ये 24 में अपडेट रोल बैक क्यों कर दिया गया? भाई ये अपडेट रोल बैक इसलिए कर दिया गया कि इस फोन में किसी को भी ऑटो जो अपडेट होता है ना नोटिफिकेशन थ्रू OTA, ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, इसलिए इसको अभी रोल आउट बैक किया गया है, बहुत जल्द आ भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित दास, हैशटैग सुमन, करेंटली नोट 7 प्रो यूज करछी, पोको F2 এর জন্য वेट करछी, কত দাম হতে পারে? বেস ভ্যারিয়েন্ট দেখে পোকো F1 मैं यूज करता हूं और काफी अच्छा फोन है, पोको F1 का प्राइस तब तक 21,000 और आप मान सकते हो पोको F2 का प्राइस करीबन 25,000 से स्टार्ट होगा, नियर अबाउट 25,000, तो वेट कर सकते हो। और हाँ जो और एक नया फोन 27th को लॉन्च होने वाला है ब्लैक शार्क 2, आपका क्या ख्याल है इस फोन के बारे में जरा कमेंट्स कीजिएगा, अगर आप भी चाहते हो आपका कमेंट्स पिक किया जाए, तो मुझे सैटरडे में जब
कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूंगा, उसमें कमेंट्स कीजिए हैशटैग सुमन लगा के। अगर ये चैनल अच्छा लगता है, आपके भाई को आप पसंद करते हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कीजिएगा। इससे आपको हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहेगा। साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हैं पीयूष जलानी। थैंक यू पीयूष जी। सर, रियलमी एक्स के लिए रुका था कब से, अब पता चला अभी नहीं आ रहा, और वो फोन सुराई बाय रियलमी 3 प्रो। देखिए, आप रियलमी एक्स के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, उतना भी डिले नहीं होगा, ये आपको जुलाई के महीने पे तो मिल जाना चाहिए। और रियलमी 3 प्रो तो बहुत ही अच्छा फोन है। हाँ, रियलमी 3 प्रो 14,000 और रियलमी एक्स का प्राइस लगभग 18,000 से स्टार्ट होगा इसका बेस वेरियंट। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियांशु यादव, हैशटैग दादा, एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में कभी कभी फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, कोई सॉल्यूशन है क्या? भाई, ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो एक बार आपको सर्विस सेंटर बाय विजिट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के है यहाँ पे श्रीकांत सिंघानिया। थैंक यू श्रीकांत जी। और यहाँ पे उसका क्वेश्चन है, हैशटैग सुमन, सर क्या आपको लगता है कि आपका चैनल लंबे समय तक जाएगा? जरूर जाएगा, किसको नहीं लगता है, हर एक जो क्रिएटर है उसको तो लगता है मेरा चैनल बहुत दिन तक जाएगा। और हाँ, छोटे मोटे दिन के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, लंबे रन के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि अनबायस वीडियो देता हूँ, खुद के पैसे से खरीदता हूँ और आपको प्यार जो करता हूँ, हाँ लंबे समय तक जाना चाहिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीकांत सिंघानिया फिर से, शॉर्ट आउट देना सर, आपकी एज क्या है? आई गेस 33। यू आर एब्सोल्यूटली राइट, मेरा जो एज है वो 33 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चित ब्लॉग्स, सर फोनर कंपैरिजन करूँ जाते बुझते पारी जे कौनटा छेड़े कौनटा नेबो, जस्ट एक्टा शॉर्ट एडवाइस। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे एडवाइस देते हो मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं ऐसा एक बंदा हूँ जो मुझे गालियाँ देता है वीडियो में, जो मुझे कमेंट्स बैड कमेंट्स देता है, कोई बात नहीं, अगर हेटर नहीं है तो फॉलोअर का क्या वैल्यू है भाई, हेट आप कर सकते हो, क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, तभी तो आगे बढ़ूंगा। और हाँ, मैं जरूर कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, इससे पहले बहुत कंपैरिजन वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आगे भी बनाते रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपने क्या है, चलिए, निरंजन नेक्स प्लस, थैंक यू निरंजन जी। आपका क्वेश्चन, आप कौन से फोन यूज करते हो? जैसे अगर देखा जाए तो मैं बहुत सारे फोन यूज करता हूं, पर वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट फोन पोको F1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे के है स्टाइलिश स्टार UV। थैंक यू UV। हाय सर, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, मुझे अंडर 20,000 में एक कैमरा फोन चाहिए, MI A3 के वेट करूं और नहीं तो प्लीज कौन सा मोबाइल लूं, MI A3 कब तक आ सकता है? MI A3 आने वाला था पर नहीं आ रहा है, K20 आ रहा है, K20 प्रो आ रहा है। आप Mi A3 के लिए अगर वेट कर रहे हो तो मैं आपको ये कहूंगा, एक बार K20 को देख लेना, क्लियर है ये। अभी देखिए सर, प्लीज मेरा क्वेश्चन देख लेना, अमन सिंह राणा, थैंक यू अमन जी। Mi A3 कब लॉन्च होगा? Mi A3 का तो पता नहीं, शायद ये आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि जून के महीने पे अभी और इस महीने पे अभी बहुत सारे Xiaomi के फोन आ रहा है और Redmi 7A भी है, तो आप Mi A3 के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिंग वर्ल्ड, थैंक यू क्रिएटिंग वर्ल्ड। दादा, आमी न्यू चैनल क्रिएट करेछि, चैनलटा के किभाबे ग्रो करबो एकटु सजेशन दाओ। ब्रो, वन सजेशन आई वुड लाइक टू गिव यू, देखिए जो आपका चैनल है, जिस बारे में वो चैनल है वो अच्छे से कीजिए, कंटेंट अच्छा सा दीजिए, अनबायस वीडियो बनाइए, और एक बात, जो सब्सक्राइबर्स है उसके साथ रिलेशन बना के रहिए, क्योंकि देखिए आप जितना कम्युनिकेट करोगे आपके सब्सक्राइबर से उतना ही आपको जो सक्सेस वो मिलेगा। और हर दिन एक ना एक वीडियो डालना जरूरी है, और क्या कह सकते हैं, छोटा चैनल है, इतना ही एज ए दादा मैं कह सकता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिशु सोनी, हैशटैग रिशु सोनी, थैंक यू रिशु जी। एंड सुमन ब्रो, आई ऑलरेडी कॉमेंट ऑन योर प्रीवियस वीडियो एंड माई कॉमेंट इज When you will make video on custom ROMs and you reply, but there is no any response. Very soon,
Very soon, I will make that kind of videos. I like custom ROM and I like to apply custom ROM on my different kind of phones. And my first video, definitely I will upload with my Max Pro M1, the custom ROM, and it should be Havoc OS. तो इतना ही था आपका ये कमेंट्स, आपका सवाल, मेरा जवाब. फिर से और एक नया वीडियो के साथ आ जाऊंगा नेक्स्ट Q&A एपिसोड में. कमेंट्स कीजिए और #सुमन लगाना मत भूलिएगा. धन्यवाद.